मोदी जी 2014 में पकड़ा दिखवाया होता तो देश के नौजवान आपको दिल्ली की कुर्सी न देते, आपको पकौड़े की दुकान गिफ्ट कर दिए। और करना पड़ेगा साथियों, ये बाबा जी अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, तुम्हारी हैसियत थी तो विधानसभा के चुनाव से पहले बाबा जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया? पता चल जाता कितनी सीटें जीत रहे हैं। तब तो क्या कहा गया था, इलाहाबाद के एक मौर्या जी अमूदों के घूम रहे थे, गुमराह भी कर रहे थे और क्या कह रहे थे, पिछड़ा प्रधान मुख्यमंत्री होगा। कोई पाल कह रहा था हम होंगे, पूर्वियों में कहा जा रहा था हम होंगे, दलितों में कहा जा रहा था ये होंगे, पासियों में कहा जा रहा था ये होंगे, और निकाला कौन गया? कौन निकाला? बाबा। क्या है बाबा जी? हमारे नेता के बारे में कुछ लोग यहाँ कह रहे थे, अरे पहले चिलम दिया अपने नेता को, उसके इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी घटनाएं हुई साथियों, ये बातें करते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हुआ था देवरिया का सदर होम नौजवान साथियों, क्या हुआ था देवरिया के सदर होम में, क्या हुआ था प्रतापगढ़ में, क्या हुआ था हरदोई में, क्या हुआ था कानपुर में, बताओ। हमारी बच्चियों की इज्जत और आबरू सरकार की नाक के नीचे सुरक्षित रही थी। आज हमारे गरीब लोग, जो लोग देसी शराब पी लेते हैं, उनको जहरीली शराब बेच के हजारों हजार सैकड़ों लोगों की जान हमारे गरीबों की चली गई। ये सरकार है आपकी योगी जी, क्या कर रहे हो? इस मौके पर कहना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो लोग बहुत ईमानदारी की बात करते थे, जो लोग बड़ी चौकीदारी की बात करते थे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। हमने साथियों, जब राफेल घोटाले पर चर्चा हो रही थी तो हमने सदन में कहा था, हमारे नेता लड़ी नेताजी जब देश के रक्षा मंत्री थे तो सुखोई समझौता हुआ था, और 20 साल से ज्यादा हो गए, 22 साल कोई सुखोई पर सवाल आज तक नहीं उठा पाया। और ये लोग जो देश की चौकीदारी की बात लेके आए थे, बताओ नौजवान साथियों, राफेल में क्या हुआ है? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, नौजवान साथियों, चोर है, चोर है। और कुछ हो नौजवान साथियों, चोरी करते करते यहां तक गिर गए कि किसानों की यूरिया जो 50 किलो का कट्टा होता था उसमें भी 5 किलो निकाल दिया, यहां तक गिर गए चोरी करते करते, किसानों के कट्टा निकाल दिया, किसानों की आमदनी की बात करते थे, और अब क्या कर रहे हैं? अब तो एक महीने भी नहीं चुनाव को, और 10 साल आगे के बजट देने की बात कर रहे हैं, 10 साल आगे का बजट। अरे ये देश का नौजवान, देश का किसान, देश का व्यापारी अब तो आपको 3 महीने नहीं टिकने देगा, 10 साल की बात छोड़ दो। और बाबा जी इलाहाबाद
अखिलेश यादव बन के से लेके पूरे पूर्वांचल की सड़कों पर क्रांति लाने का काम करेंगे। क्या कहा था पिछड़ों की बातें, क्या कहते इनके वक्ता कि पिछड़ा प्रधानमंत्री है, बाहर है पिछड़े प्रधानमंत्री। अब सुन लो नौजवान साथियों, एक मिनट सुन लो नौजवान साथियों, इनकी कैबिनेट है केवल चार पिछड़े, दो एससी और एक एसटी, और उनको भी ऐसे ही मंत्रालय है, एक भी अच्छा मंत्रालय नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय